नमस्कार, मैं हूं रौनक और स्वागत करती हूं आप सभी का मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल के खास शो खबर ट्रेंडिंग में। दोस्तों, फिल्म कबीर सिंह की अपार सफलता के बाद शाहिद कपूर एक बार फिर अपने आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म कबीर सिंह की सक्सेस के पूरे 2 साल बाद शाहिद कपूर एक बार फिर अपने फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। दरअसल शाहिद कपूर अपने आने वाली फिल्म जर्सी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का पोस्टर पहले ही सामने आ चुका है। वहीं कल 23 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर के सामने आने के बाद से ही ये जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें शाहिद कपूर का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। फिल्म जर्सी एक स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित है, जिसमें क्रिकेटर के स्ट्रगल को दिखाया गया है। फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है, जिससे फिल्म की कहानी की एक झलक मालूम होती है कि कैसे एक खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ देता है और बेटे की जर्सी खरीदने के लिए दोबारा मैदान में उतरता है। हम आपको बता दें, इस फिल्म में अभिनेता शाहिद कपूर के साथ मृणाल ठाकुर पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। पर इस फिल्म के माध्यम से शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर तीसरी बार अपने बेटे संग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म में पंकज कपूर कोच की भूमिका में नजर आएंगे। शाहिद कपूर ने फिल्म मौसम में अपने पिता पंकज कपूर के साथ काम किया था। जर्सी के जरिए एक बार फिर से उनके साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में शाहिद ने बताया कि आज भी पापा के साथ काम करना उन्हें बेहद नर्वस कर देता है, मगर उनके साथ काम करने का अपना ही मजा भी है। वहीं फिल्म की शूटिंग को लेकर खबर है कि फिल्म के हर शॉट में असली सीजन वॉल का इस्तेमाल हुआ है और जितने भी सीन्स में चौके और छक्के लगते हुए दिखाए गए हैं, वो असल में मारे गए चौके छक्के हैं। वही क्रिकेट मैच से जुड़े फिल्म के सीन्स को चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में शूट किया गया है। हम आपको बता दें, शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म जर्सी तेलुगु फिल्म जर्सी की रीमेक है। तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह के सफलता के बाद शाहिद कपूर को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन शाहिद कपूर ने तेलुगु फिल्म जर्सी पर बनने वाली हिंदी रीमेक फिल्म जर्सी को चुना। वहीं फिल्म में काम करने से जुड़े अनुभव को शेयर करते हुए शाहिद ने बताया कि उन्हें दोनों फिल्मों में काम करने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि रीमेक बनाना बेहद मुश्किल काम है। हम आपको बता दें, शाहिद की ये फिल्म बड़े पर्दे पर 31 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके फैंस के लिए ये फिल्म शाहिद की तरफ से नियर तोहफा होगी। बॉलीवुड से जुड़े तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। धन्यवाद।